गगनदीप की ऐसे में तो हुई जो दो आपस में पहले तो दोस्त थे, एक को गांव के थे, 31 तारीख को गांव से यहाँ आए हैं, 1 तारीख रात को दो की ड्रिंक की थी, लेकिन जो दूसरा आदमी था जिसने मारा है उसको, उसका मेडिकल नशा किया हुआ था सत्य का, ठीक है। तो दोनों की झगड़ते रहे, ठीक है। सत्य के पास सोटी थी, उस सोटी से पीटता रहा। जब हम सड़ाने के, दो आदमी थे वहाँ सड़ाने की कोशिश की तो हमें भी मारपीट कर गया, हमारे साथ भी। उसके बाद हम गगनदीप को गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल लेकर आ रहे थे, तो रास्ते में उसकी मृत्यु। क्या वजह मारपीट की? ये तो नहीं मालूम जी उनकी क्या वजह हुई है, पर दिन में इकट्ठे काम करते थे, गांव में भी इकट्ठे रहते थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी, ठीक है ना। वजह का कोई पता नहीं रहा, तो वही सत्य बता सकता है, लेकिन उसने पीटा बहुत है, जिसके कारण उसके कुपतांगों में चूंकि चोटें लगी है उसके तब। तो सत्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? हाँ जी, काली कार गया था शाम। सर देखिए, कल शाम को करीब 9 बजे हमें हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल से सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे ब्रोड डेड गुरप्रीत सिंह नाम का पंजाब से जो किसान आंदोलन में आया हुआ है, ऐसे ऐसे ब्रोड डेड आए हुए हैं, लड़ाई झगड़े में चोटें लगी हुई है। तो हम यहाँ आए और रुका मिला तो इनके वारिसान जो परिजन थे ये हमें मिले, उन्होंने बताया कि सत्ता जो हमारे गांव का ही है, जो गुरप्रीत के गांव का ही है, उसने इसको मारा पिटा है 1 तारीख को शाम को, और फिर हम ये हॉस्पिटल में लेके आए तो ब्रोड डेड की हालत में लेके आए, तो इन्होंने जो अपनी कंप्लेंट दी उस पर हमने 302 का FIR दर्ज कर दिया है, और जल्दी भाई ने मुकदमा है उसको भी हम जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। अभी हम बोर्ड से पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवा रहे हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया? परिजन बता रहे हैं कि उसको पकड़ लिया था मौके पे। नहीं, अभी हमारे पास कोई अरेस्टिंग अभी नहीं की, बाई नेम है, जल्दी उसको भी हम काबू कर लेंगे। अभी पूछते हैं इनसे भी, तहकीकात जारी है।